अच्छा, दामादों को तो बाकी भाई बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ी इज्जत मिलती है, लेकिन वही सेम चीज वैसे ना बहू का मुझे भी बहुत मिली। मैं आपको हर बार अपने शो में बताती हूँ, मेरा मैं सबसे छोटी बहू हूँ और मेरी सारी नंदे 11 बहन भाई हैं ना, तो आप सोचें कितना बड़ा माशाल्लाह से ससुराल है और मैं उनकी लाडली हूँ। मतलब चाची बेटी की से 11 कितनी 5 फुप्पुए और 6 उनके, तो मैं ये होती हूँ कि मतलब, और मैं सबसे लाडली, मैंने अगर कुछ कह दिया ना या मैंने ग्रुप पे डाल दिया कि ये मैं कर रही हूँ, हाँ हाँ सादी ने कह दिया, बस ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये एक चीज है जो बड़ों की तरह से आती है, तो मुझे बड़ा पसंद आता। अदनान कहते ये तुम क्या, मुझे अदनान की भी शिकायत करनी होती है, मैं अपनी बड़ी नंद को करती हूँ, मैंने आज तक अपने घर में कुछ नहीं कहा, मैं उनसे कहती हूँ आप देखिए पता है बड़े बाजी। मुझे लगता है कि जैसे मेरी नानी भी कहा करती थी कि जब आपके घर में लड़की आती है ना, लड़के के साथ ये नहीं होता, वो अपनी लाइफ, अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़कर आपके सिस्टम में एडजस्ट हो रही होती है। आप अगर बढ़कर प्यार करते हैं तो बहुत ही कोई अल्लाह माफ करे, खबीस और बदकिस्मत होगी जो प्यार का जवाब प्यार से ना दे। सो ददेहाल की मोहब्बत शुरू माँ के थ्रू ही होती है। सही। अच्छा मुझे बताएं, वैसे अगर अपनी लिंग्विस्टिकली बात करें तो हमारी जबान में भी जब हम बचपन में माएँ बच्चों को जब लोरियाँ सुना रही होती हैं तो जब चांद की तरफ देखती है तो वो चंदा मामा होता है, वो चंदा चाचा नहीं होता। तो मुझे ये बताए कि ये क्यों, ये जो हमारे अंदर भी एक तरह से मोहब्बत डाली जाती है कहीं ना कहीं से अपने ननिहाल से ज्यादा, ये सिलसिला आपको क्या लगता है कहाँ से शुरू हुआ? जैसे मैंने कहा ना कि इट्स बायोलॉजिकल, अगर देखा जाए तो पीछे भी रीजन है। देखें बात इतनी खूबसूरत तरीके से स्टार्ट की नवाजी ने कि बायोलॉजिकल एक 9 मंथ पहले से एक चीज कनेक्टेड है, ठीक है ना, और फिर उसकी वाइब को आप एवरीडे फील करते हैं, जो अल्लाह ताला ने जो मूवमेंट रखी है उससे एक अलग कनेक्शन है, तो उसका कनेक्शन का ताल्लुक और बाप का कनेक्शन का ताल्लुक में बहुत फासला है। वो फील नहीं कर सकता, वो देख सकता है, रिपोर्ट्स में देख सकता है, लेकिन वो जो माँ फील कर रही होती है उसका कोई मुकाबला है नहीं, ठीक। और फिर वो बच्चा 9 महीने के बाद जब इस दुनिया में आता है तो उसके लिए वो कोई नया तो थोड़ी होता, उसको तो पता ही होता है यही चीज मैं दिमागी तौर पे इमेजिन कर रही हूँ, तो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब रही बात खाला की, ये तो सारी बातें, ये एक वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन लगती है खानदान जो खुद ही अपने ओहदे बांट लेते हैं, है ना, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, लो जी आपने अच्छा किया आपने बुरा किया, अच्छा जो बांट रहा होता उसको भी दे दे, तुम कौन से अच्छे हो तुम कौन से बुरे हो। तो मैं यही देखता हूँ अमूमन पेशेंट्स आते हैं, ये तो एक अच्छा सा इनपुट जा रहा है ना, आउटपुट तो आगे अभी बात करेंगे जहां से लोग बीमार होते हैं। तो अगर खाला अच्छा कर रही है तो माँ बताएगी कि भाई देखो खाला पे गई है, ठीक है, और सारा का सारा फिर तो उसमें एड ऑन भी करती, शक्ल भी वैसी लगती है। अब बंदा सोचता रहा लगती तो नहीं है लेकिन वो चुप करके सुनेगा। अब इसी तरह अगर कभी चंदा मामा की जगह अगर अब्बा जान लोरी देके सुनाए तो वो कभी नहीं बोलेगा खाला चंदा खाला चंदा खाला, वो चंदा चाचू ही बोल सकता है क्योंकि वो अपने तरफ जाएगा। तो माँ जब लोरी देगी या उस तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी माँ से कनेक्टेड होती है। जो बात ये भी हो सकता है कि जो अब्बा वो भी क्योंकि अपने मामा से इतना प्यार करता था कि वो चांद में अपना मामा देखता और अपने बच्चे को भी चंदा मामा ही बता रहा हूँ। एक फैमिली में अब सा मैं आलिया बाजी हम लोग इतने वो है क्लोज के, उन्हें ना ये नहीं कहना पड़ता बस आ रहे हैं तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, मुझे पता परसों आ गए मेरे 5 माशाल्लाह हम भाई बहन एक जगह थे, एक भाई पिंडी में होते हैं, इतना अच्छा लगा, अचानक एक फोन आया मैं आ रहा हूँ सबको इकट्ठा कर लो, मैं कहा हसन क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ बस, और तुम मेथी की खिचड़ी बनाओ, बहुत दिल कर रहा है मेथी की खिचड़ी खाने का, अम्मी के बाद तुम अच्छी बनाती हो। मैं कहा यार ये अजीब मजाक है, बंदा संडे के दिन भी अपने, तो आप ना ये अपने बहन भाइयों से कह सकते हैं ससुराल में कह के दिखाए। अच्छा लेकिन रिस्पेक्ट डेवलप करनी मेरे ससुराल में, मेरी जठानी स्पेशली माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं यही कहती हूँ कि ये मेरी एक और बहन है, हमारा रिश्ता जठानी देवरानी वाला नहीं, तो वैसे भी कहती है कि यू नो देवरानी तो प्रीति लगता है ना, तो प्यारा सा रिश्ता लगता है, जठानी लगता है कुछ जालिम किस्म की औरत है, ये मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस ना करवाया करो, मैंने कहा भाई जब कोई पूछता है रिश्ता क्या है तो बताना पड़ता है। बट बात वही होती है कि आपने रिलेशनशिप को डेवलप किया कैसे किया, जब आपने वो किया तो बच्चों में वो आएगा। अब मुझे पता है वैसे तो मैं एक ही चाची हूँ लेकिन हूँ फिर भी मैं फेवरेट, ये सेम सेम क्योंकि वो बच्चे जितना मुझसे शेयर करते हैं और जितना उनको पता है कि आई लव देम अनकंडीशनली, वो डेवलप होता उसकी वजह ये भी होती है कि जो छोटे चाचा होते हैं ना वो आप उससे बड़ा अटैच भी होते हैं, जो छोटे चाचा होते हैं बच्चों के फेवरेट भी होते हैं, फिर वो जो फिर वो जब चाचा की और उन चाचा की शादी को लेके बच्चे बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, फिर जो चाची होते हैं उनके लिए फिर वो जो अगर चाचा हीरो है तो उनके लिए
उस हीरोइन उनकी चाची है, लेकिन चाची तक पहुंचाने के लिए चाची ही जरिया बनती है हर बार। मैं बात बताऊं, अगर चाची अच्छी ना हो तो चाचा तो चाचा फिर गए। आपकी मत ये बात बिल्कुल सही है। आपकी बात से मुझे अपना बचपना याद आया। मुझे मेरे चाचा जो थे वो सबसे यंग थे अपने उसमें, तो वो बड़े स्मार्ट हैट शर्ट कैप लगा के निकलते थे, तो मैं बड़ा हो रहा था, मैं उनको बड़ा देख के फैसिनेट करता था कि बड़े कूल लगते हैं। और वो चाचा का एक बॉडी लैंग्वेज भी अलग थी, हेलो बच्चा यू करके कर लिया। वो दूसरे चाचा जरा चच्चा टाइप थे, ये वही चाचा थे जो अब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको देख देख के शायद हम सब कॉन्शियसली बड़े हुए। और आप सोचेंगे मैंने ऐसा बनना है। एग्जैक्टली ये चीज थी। हम दो भाई जो बड़े हुए थे वो उन चाचा को देख के यही सोचते थे ये बंदा कुछ है ना, ये यंग है, ये कोई कनेक्ट होता है। बाकी जो थे वो डांट डपट वाले ज्यादा थे, वो बचा के हमें ले जाते थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल मुझे क्लिक की है कि छोटे चाचा somehow हमारे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। हाँ ये अच्छा दूसरे मामुओं की भी जो अगर हम खालों की बात करें, मुझे लगता है मामुओं का भी उतना ही किरदार है। मैं अपने मामू को देखूँ तो हाँ, मेरे मामू उनको खाना पकाने का बड़ा शौक था, हमारे घर आते थे, हमें बड़ा अच्छा खाना पकाते थे। मैं जब अपने भाइयों को देखूँ तो वो मेरे जिस तरह से बच्चे से प्यार करते हैं, और वो मेरा बच्चा वैसे अगर खेल रहा, आजकल के बच्चे ऐसे ना आपको पता टिकते नहीं है अगर फोन वीडियो कॉल आए, लेकिन जैसे मेरा बड़ा भाई आता है तो फौरन आके मेरे भाई को ऐसे देखता है जैसे वो लिटरली अपनी माँ को देख रहा हो ना। और मैं देखती हूँ, मैंने कहा यार मेरे बड़े भाई ने तो जिंदगी में बड़ा कूटा है, हमें तो बड़ा डांटा है, हमें डरा के रखा है, लेकिन मेरा बच्चा इसके अंदर कैसे कम्फर्ट उसको मिल जाती है कि वो जैसे आता है मामा तो वो जाके अपने मामू को देखने लग जाता है, सब कुछ छोड़ के मेरा मामू आ गया सामने। ये एक अलग ये खून का प्यार है ना, ये कैसे कह सकते हैं, वही वाली बात है कि मीरब से जितना इन लोगों को मैं कहती हूँ तुम लोग मुझे वैसे तो जर्मनी कॉल नहीं करते, हम यहाँ से जाते हैं, जरा बात करा ना मीरब, दिखा ना मीरब, मीरब से बात करा, तो मैं ये एक है ये। और मीरब भी जितनी कंफर्टेबल अपनी खालाओं के साथ होती है ना, फुप्पियों से भी उसके नखरे चलते हैं, मतलब फुप्पियों के साथ तो ये वाले नखरे, हिना फुप्पो के साथ आप फुप्पो मेरा पेडिक्यूर कर दो, फुप्पो आप मेरा मैनीक्योर कर दो, वो भी बेचारी लगी नहीं है टब में भी तो ओके, और वो सब वीडियो कॉल हो रही है अपने बाबा को दिखा रही है, कहती है किससे करेगी नखरे, हमसे नहीं करेगी तो किससे करेगी। वैसे सारी जी आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले जब मैं कराची थी, मेरे भाई मुझे कभी कॉल नहीं करते थे, जब मेरा बच्चा हो गया अब वो बच्चे को समझ भी नहीं आ रही, वो बच्चा आंखें बंद है, बच्चा इधर देख रहा है, वो दिखाओ हमें जायर दिखा दो जायर जायर, अब वो लगी हुई। मैंने कहा मुझे कभी इज्जत नहीं दी इतनी, उसके लिए रोज वीडियो कॉल करते हैं। ये तो आप बात करें ना कि बहन भाई के बच्चे, मेरी सबसे बड़ी भांजी जो है उसकी उसे तस्वीरें उसे भेजी अपने बच्चों के साथ, तो मैंने उसके बच्चों पर कॉमेंट किया तो कहने लगी वैसे तस्वीर में मैं भी थी। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आई है आज। मैं अभी रिसेंटली जो है मराकड़ एजेंसी अलाडन डेयरी गया था, तो मेरे पुप्पीजाद भाई ताहिर खान की डेथ हो गई थी, उसमें मैं गया, तो वहाँ जब मैंने मेरी पुप्पी जान जो है वो पहले तो अल्लाह ताला उनकी मफ़त फरमाए, दूसरा ये कि मैं जब पुप्पी जान के पास गया तो 90 साल उम्र है मेरी पुप्पी जी, तो वो बिल्कुल किसी से बात नहीं कर सकती, बिल्कुल वो कोमे वाला सिस्टम है, बिल्कुल यूँ लेटी हुई होती है। लेकिन पांचवे दिन जो है उनके बेटे ने कान के करीब होके कहा कि रियाज खान कराची से आया है, तो यकीन करें कि मैं वो बता नहीं सकता इस वक्त के पांचवे दिन के बाद उन्होंने मुझे पहचाना, और पहचानने के बाद अपने करीब किया, और मैं करीब हुआ तो उन्होंने मुझे प्यार किया, और फिर इशारे से यूं टूटे टूटे अल्फाज से कहा कि इसको बिठाओ खाना खिलाओ इसको, है ना। और फिर अपने तो मैंने कहा कि जो मैं पहले जाया करता था जब बिल्कुल होश में होती थी, लेकिन 90 साल की उम्र में भी जब कनेक्शन बिल्कुल मतलब कोमे वाले यूं देखती रहती है कि किसी से बात नहीं कर पाती, किसे जब एक लहर सी आई ना इस पहचानने वाली, और कहा इनके करीब मेरे भाई ने कहा कि रियाज कराची से आया है, तो एकदम मेरे को खरीद करके इतना प्यार किया चूम चूम के कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि वो मतलब हाथ भी सही तरीके और यूं फिर इशारे करने लगे खाना वाला वर्का रोटी वर्का, यानी पश्तो में कहा कि खाना इसको दो, और मुझे करीब करके, तो पुप्पी की मोहब्बत जो है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, पुप्पी का नेमुल बदल है ही नहीं। अल्लाह ताला हर एक की पुप्पियों को खुश रखे, सलामत रखे, और आप लोगों को भी इसी तरह के हंसते मुस्कुराते रखे, और हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाते रहे। समा का बहुत बहुत शुक्रिया, मदिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपको बहुत शुक्रिया, आपने तो बल्कि मुझे रुलाई दिया, आपने तो रुलाई दिया, इतनी प्यारी आपने बात की। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।